दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बड़े ही मजे से व्रत में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले पनीर लेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। आप इसे अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इन पनीर के पीसेस को तल लेंगे। इसे तलने के लिए एक पैन में हम 2-3 चम्मच तेल डालेंगे। अगर आप व्रत में तेल का यूज नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पर देसी घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक सैलो फ्राई करेंगे। अगर आपको तला हुआ पनीर पसंद नहीं है तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इन सभी पनीर के पीसेस को अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद उसी पैन में हम एक चम्मच तेल और डालेंगे और इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची और 3-4 लौंग डालेंगे और इसे भी तेल में 4-5 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर को हम लोग सब्जी की तरह यूज करते हैं, लेकिन टमाटर एक फल होता है जिसे हम व्रत में खा सकते हैं और कई लोग इसे व्रत में यूज भी करते हैं। अब हम इसमें कुछ टुकड़े अदरक के डालेंगे और इसे भी टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग 10-12 काजू डालेंगे। काजू डालने से शाही पनीर की ग्रेवी में थिकनेस आएगी। अब हम इसे भी टमाटर के साथ मिक्स करेंगे और इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए टमाटर के गल जाने तक पकाएंगे। 3 मिनट बाद अब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, अब टमाटर गल चुका है। हमें टमाटर को बस इतना ही पकाना है, इससे ज्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसकी ग्रेवी को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। तो यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच दही का यूज कर रही हूँ। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें दही डालना ऑप्शनल है। अगर आपको सब्जी में दही पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। दही को टमाटर के साथ हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। या हम देखेंगे कि दही का कलर थोड़ा सा पिंक हो गया है, हम इसे तभी तक पकाएंगे। ग्रेवी का कलर चेंज हो चुका है, इसे ठंडा करके हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इस ग्रेवी को एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरीके से छान लेंगे। इसे छान लेने से ग्रेवी एकदम स्मूथ हो जाती है। इसे छान लेने से जो स्पाइसेस के बड़े पीसेस होते हैं या टमाटर का छिलका होता है वो बाहर निकल जाता है। आप चाहे तो इसे बिना छाने भी यूज कर सकते हैं। अब इस ग्रेवी को छानने के बाद हम इसे पका लेंगे। इसे पकाने के लिए एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे पैन में चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची और 2 लौंग डालेंगे और इसे तेल में पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें अपनी ग्रेवी डालेंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए इस तरीके से पैन में चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। अगर आप व्रत में गरम मसाला या धनिया पाउडर भी खाते हैं तो उसे भी 1/2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब हम इस ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे भी ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी डालने से ग्रेवी में बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम ग्रेवी को ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे। अब हम इन पनीर के पीसेस को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इन पनीर के पीसेस को भी ग्रेवी के साथ ढककर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। हमारा पनीर अब अच्छे से पक चुका है। अब हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा और क्रीमी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा मलाई ऐड करेंगे। यहाँ मैं घर की मलाई का यूज कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। हम इसे भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मलाई डालने के बाद हमें ग्रेवी को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। इसे हम ढककर सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। अब हमारी शाही पनीर एकदम रेडी है। इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और इसे भी ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। अब हमें इसे और ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमारी एकदम टेस्टी, क्रीमी और लाजवाब व्रत वाली शाही पनीर बनकर रेडी है। इसमें मैंने ऐसे किसी भी चीज का यूज नहीं किया है जिसे आप व्रत में नहीं खा सकते हैं। तो अब आप व्रत में अपने मन को मत मारिए और इस टेस्टी से शाही पनीर को एंजॉय कीजिए।